कि आप लोगों को भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है जिससे आप लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं वेल सेम हियर एंड मैंने एक सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है वेलकम बैक टू चैनल एंड इफ यू आर न्यू हे शर्मिला हेयर सो नाइस टू 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 मीट यू सब्सक्राइब चैनल एंड जॉइन द फैमिली आज मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है फ्रॉम इंडस वैली आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन इंडस वैली प्रोडक्ट्स एंड उन्होंने मुझे फिर से कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं एंड आई वॉन्टेड टू शेयर द रिव्यू विद यू गाइज सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट देव सैन मी इट इज़ देयर बायो ऑर्गेनिक डी आई वाई डैंडफ क्लरिफाइंग हेयर पैक ड्यूरिंग विंटर मेरा इतना ज़्यादा डैंडफ होता है ना लाइक आई कैंट इवन टेल यू गाइज मतलब इफ़ आई डू लाइक दिस समाइम्स तो एकदम लगते हैं ऐसे स्नो फॉल हो रहा है एंड दिस किट रियली हेल्प मी मैंने ये फर्स्ट यूज में ही मैंने डिफरेंस देख लिया मेरा सच में डैंड्रव चला गया मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे ऐसे यूज करना है और आप लोग उसी में देख सकेंगे बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट दिस इज द प्रोडक्ट दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी मैंने आज तक शैम्पूस ट्राई किया है बहुत कुछ ट्राई किया है बट नथिंग दिस इज ओनली प्रोडक्ट दैट एक्चुअली वर्क सी मेरे बहुत वाला देन जो डी आई वाई किट है वो ले लेंगे दिस इज द इंस्ट्रक्शन ये है नीम पाउडर एलोवेरा जेल देन कोकोनट ऑयल देन आ जाता है रोज मेरी ऑयल एंड ये है उनका शैम्पू एंटी डैंडर शैम्पू एंड हेयर स्पा का बॉटल अकॉर्डिंग टू द रेसिपी बुक टू स्पून ऑफ नीम पाउडर ले रही हूँ एक स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एक स्पून कोकोनट ऑयल एंड टेन ड्रॉप्स ऑफ द रोजमेरी ऑयल इसको एक पेस्ट बनाइए हनी की तरह कंसिस्टेंसी होना चाहिए देन ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने रूट्स पे, बिकॉज मेरा जनरली ना डेंडर के एरिया में ही ज़्यादा है ये तो अपने पूरे हेयर पे अप्लाई करूँगी सो so, आफ्टर applying इट ऑल ओवर माई हेयर मैंने क्या किया इसको ना अच्छे से टाई कर लिया यूजिंग अ क्लिप एंड इसको आपको रखना पड़ेगा अराउंड थर्टी मिनट्स तक ठीक है आप चाहे तो एक शावर के आप यूज़ कर सकते हैं देन आफ्टर थर्टी मिनट्स आपने ये रिन्स कर लेना है आ, बहुत ठंड है यार ये शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था सारे गाड़ियाँ अभी जाने हैं यहाँ से देन मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ राइट आफ्टर द मास्क रेगुलर शैम्पू जैसे करते हैं देन उसको भी रिंस कर लीजिए एंड फाइनली इसके बाद इतना रिंस करने के बाद और एक रिंस भी करना पड़ेगा ये स्पा क्रीम लगा लीजिए है अच्छे से हेयर पे मैं सेक्शन कर कर के ऐसे लगाती हूँ ताकि अच्छे से यू नो अप्लाई हो जाए इसको भी मैं अगेन टाई अप करके 15 मिनट्स तक रखना है इसको देन अगेन इसको रिंस कर लेना है लास्ट रिंस अच्छे से रेंज कीजिए बहुत ठंडा पानी था आई रिमेंबर एंड उसके बाद आप इसे टाउल ड्राई कर सकते हैं हीट भी दे सकते हैं आप अगर वो स्पाक्रीम में बट मैं इसको ये बना के ऐसे रख देती हूँ एंड दैट्स इट तो उन्होंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट खेचा है दैट इज द इंडिस वैली जेल कलर एंड द शेड विच आई हैव इज 5.40 कॉपर मेहगनी एंड इट इज अ जेल कलर एंड ये नेचुरल uh, कलर है अनलाइक अदर कलर्स यू नो इसमें अमोनिया होते हैं एंड ऑल द बैड केमिकल्स विच कैन रू योर हेयर ये इज़ मेड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक इन साइड भी मैंने देखा इट हैज एलोवेरा जेल एंड मोस्टली जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड है ना वो टोटली नेचुरल है मैंने ये अभी तक पर्सनली यूज़ नहीं किया है बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ ऑन हाउ टू तो अप्लाई इट एंड यू नो कैसे क्या करना तो डू लेट मी द कमेंट्स बिलो एंड द लास्ट प्रोडक्ट दिस दैम मी इज द लैवेंडर एसेंशियल ऑयल So this is 100% pure organic lavender essential oil, it's virgin, it's natural and it's unrefined. It can be used for skin refreshing, for soothing, as a room freshener, absolutely anything you want. So I don't personally use it as a room freshener because um, uh, I mostly use candles and they are already lavender flavored. What I do sometimes I drop it on my pillow so that I can sleep well at night. Lavender really helps with stress and stuff, it soothes, you know, your uh, everything and uh, I I'm not gonna lie I am stressed most of the time so ये बहुत ज़्यादा help करता है मुझे this what the packaging looks like it's a pretty decent packaging uh, it has a dropper which is very easy to use like uh, overall मुझे सारे products ही बहुत अच्छे लगे so yeah, basically मैंने इस वाले बहुत दिनों से use भी किया है ना really like it and मैं आप लोगों को भी recommend करूँगी कि आप लोग भी वो try करें सारे products के जो link है ना आपको नीचे description box में मिल जाएंगे thank you so much for watching this video I really hope you guys enjoyed it subscribe to my YouTube channel and turn on the notification नीचे कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट ट्राई किया है या फिर ट्राई करना चाहते हैं आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो दैट इज ऑन द स्क्रीन गो चेक इट आउट बाई